नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति एंड आज हम आए हैं हीट स्ट्रोक पे बात करने। गर्मी अपने चरम पे पहुंच रही है, सूरज एकदम पीक पे निकलता है और अभी तो और भी ज़्यादा निकलेगा एंड बहुत हीट कॉज करता है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। एंड इनमें से हीट की वजह से जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम है वो है हीट स्ट्रोक। तो आज हम जानेंगे कि उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक अपने आप में एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसके लिए अगर आपको वो सिम्टम्स किसी में भी दिख रहे हैं तो तुरंत आपको उसको हॉस्पिटल रश करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो अभी की सिचुएशन में है, मैं बता रही हूँ बेसिकली इस एरिया की, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बाकी अलग अलग एरियाज़ में इंडिया के अलग अलग टेम्परेचर्स इस वक्त हो सकते हैं एंड वर्ल्ड में तो डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट वेदर्स एंड क्लाइमेट्स चल रहे हैं। तो लेट्स प्रोसीड। बेसिकली हीट स्ट्रोक कब होता है? जब बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती है, यानी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या एक रेंज ले लेते हैं कि 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, जब बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती है, उसका स्वेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है और टेम्परेचर आपकी बॉडी का एकदम राइज हो जाता है अबव 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर कुछ केसेस में जो मानते हैं वो अबव 106 डिग्री फ़ारेनहाइट मानते हैं, एकदम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो टेम्परेचर पहुंच जाता है तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है एंड आपको उसमें इमरजेंसी मेडिसिन लेने की आवश्यकता है। आम भाषा में इसे लू लगना भी बोलते हैं एंड इसके कुछ सिम्टम्स हमें और आपको सबको पता होने चाहिए कि ताकि किसी को ज़रूरत पड़े तो आप उसके उपचार में उसकी मदद कर सकें। आपका टेम्परेचर जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होगा, आपको नौजिया और वॉमिटिंग फील हो सकती है। नौजिया यानी उबकाई आना, वॉमिटिंग जैसी उल्टी जैसी फीलिंग होना, फेटीग, एक्सट्रीम टायर्डनेस हो सकती है, आपकी स्पीच जो है स्लर्ड हो सकती है, जैसे कि आप जब बात करते हैं आपकी भाषा में फ़र्क हो सकता है, नॉर्मल स्पीच नहीं होगी वो, आप समझ सकते हैं जैसे कि अल्कोहल में कोई बंदा बात करता है वैसे ही आपकी जो भाषा है वो उसकी लय बिगड़ सकती है। आप एजिटेटेड हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है उस पेशेंट के अंदर एंड हेडेक हो सकता है, और सीवियर केसेस में सीजर्स यानी कि दौड़े भी पड़ सकते हैं आदमी को। बेसिकली जो दिक्कत है ये शुरू होती है जब धीरे धीरे बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करती है एंड इस केसेस में अचानक से किडनी स्टोन्स बनने की भी संभावना हो जाती है। विद इन दैट स्मॉल पीरियड आपके किडनीज में छोटी से लेकर बड़ी स्टोन्स तक बन सकती हैं। भाषा में अस्पष्टता होने के कारण हो सकता है आपको पेशेंट अपने सिम्टम्स ढंग से बता भी ना पाए उस वक्त, तो बेस्ट ये है कि आप उसको उस वक्त के लिए इमरजेंसी मेडिसिन में ले जाएं। अब हम ये जानेंगे कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो कॉज क्या है? हीट। तो हीट को आपने कैसे भी अवॉइड करना है, तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि धूप में बाहर निकलना बंद करें, और जो सबसे रिस्क ग्रुप है, जो कि बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई और ओल्ड एज लोग हो गए, तो वो जितना हो सके जो मिड टाइम होता है, स्पेशली जब 9 से 10 से सूरज बढ़ने लगता है और शाम को 4-5 तक जब तक ढलता नहीं है, तब तक अपने घरों में ही रहें, या स्कूल है या ऑफिस है तो उसके अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि उस वक्त हीट स्ट्रोक पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ें जिनको बाहर निकलना ज़रूरी है ही है, वो अपने साथ या तो एक अम्ब्रेला कैरी करें, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, धूप में निकलते हैं, या जो ड्राइव करते हैं बाइक पे, वो अम्ब्रेला नहीं कैरी कर सकते तो एक बहुत ही लाइट कॉटन क्लोथ अपने सर पे बांध सकते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया जो है वो आपका सर है, जिसपे सबसे ज़्यादा हीट गिरेगी और सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, तो आप रुमाल उस पर बांध सकते हैं या फिर स्टोल लेके जा सकते हैं, उससे कवर करके रख सकते हैं अपने हेड को, या अम्ब्रेला अगर आप वॉक कर रहे हैं तो अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं। मेक इट अ हैबिट, ये नहीं है कि कर लेंगे, मेक इट अ हैबिट, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं ससेप्टेबल हैं हीट स्ट्रोक के, और ये हीट एग्जॉशन से सिम्टम्स शुरू होते हैं, धीरे धीरे हम नोट करना भूल जाते हैं अपने काम में बिजी होने के कारण या अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, जो हम सिम्टम्स नोट नहीं कर पाते हैं कि हमें प्यास लग रही है, फिर धीरे से बिना पानी पिए ही प्यास लगना बंद हो जाती है, थर्स्ट मैकेनिज्म तक फेल हो जाता है, तो बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है,
स्किन जो है ड्राई रेड हॉट होने लगेगी। तो ये सिम्टम्स हमें नोट करने चाहिए और इनको प्रिवेंट करने के लिए हम आगे बात करें। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है ये अपनी वाटर बॉटल कैरी करें, कम से कम उसको रिफिल करते रहें 8 से 10 बार, पानी थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें ताकि बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो, बॉडी में आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। और जो हमारे रीजन में अवेलेबल है, डेफिनेटली डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट हेल्दी लिक्विड्स होते हैं, हमारे रीजन में जो अवेलेबल है वो है कि आम पन्ना पी सकते हैं आप, गन्ने का रस पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, दही पी सकते हैं। एंड आदत बना लीजिए कि जब भी घर से निकलें कुछ लिक्विड, हेल्दी लिक्विड लेके निकलें। इसमें कैफीन नहीं होना चाहिए, इसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए, इसमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल, कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स ये हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक दोनों की संभावनाएं बढ़ाती हैं। तो हेल्दी ड्रिंक लेके घर से निकलें। ड्रिंक्स में एक और चीज़ का याद रखिए, जो डायबिटिक्स हैं वो डेफिनेटली जूस नहीं पी सकते, या आपको कोई किडनी डिजीज है और आपको गाइड किया गया है आपको जूस अवॉइड करने, तो आपको अवॉइड करने हैं। ये नहीं है कि कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो प्रिकॉशंस बताए हैं वो फॉलो नहीं करने, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन में आपके डॉक्टर ने जो भी प्रिकॉशंस बताए हैं, जो भी दवाइयाँ दी हैं, वो आपको डॉक्टर की सलाह से कंटिन्यू करने ही हैं। एक्सट्रीमली चिल्ड ड्रिंक्स भी आप अवॉइड करें, क्यों? क्योंकि एकदम आप लेंगे एक्सट्रीमली चिल्ड तो आपको सर्द गर्म होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे साइनसाइटिस, जुकाम या हेडेक, ऐसी परेशानियां हो सकती हैं। तो एक्सट्रीमली चिल्ड ड्रिंक्स भी अवॉइड करें। जो नेक्स्ट चीज़ है हमें अपनानी है वो आप लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहन के, एंड प्रेफरेबली कॉटन के क्लोथ्स पहन के, और बहुत ज़्यादा अपने आप को लोड ना करें, मिनिमम नंबर ऑफ क्लोथ्स पहन के आप घर से बाहर निकले, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेयर्स में पहनेंगे उतनी ज़्यादा हीट अंदर बॉडी में बचने लगेगी, तो वो आपको बीमार ही करेगी। तो हमें हीट जितनी हो सके बाहर पर्सपिरेशन के थ्रू या कैसे भी बाहर करनी है, तो हमें इतने क्लोथ्स नहीं पहने, सिंगल लेयर डबल लेयर काफ़ी है, सिंगल लेयर इज़ मोर देन इनफ, वो भी कॉटन हो, लाइट कलर हो प्रेफरेबली, तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपने मील्स पे कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली आप अपने हैबिट के अकॉर्डिंग खाइए, आपका जैसा वर्कलोड है उसके अकॉर्डिंग खाइए, कि ये नहीं कि सामने वाला दो रोटी खाते तो आप भी दो पे लिमिट हो जाए, नहीं, आप अपने वर्कलोड के हिसाब से खाइए, बट मेक इट अ पॉइंट दैट यू ब्रेक इट इनटू स्मॉल मील्स, क्योंकि स्पेशली जब आप सिटिंग का काम कर रहे हैं तो सैलेड उसमें ज़्यादा रखिए, जो वाटरी फ्रूट्स आते हैं जैसे खीरा हो गया वो सैलेड में आप ऐड कर सकते हैं, ऑरेंजेस हो गए वो आप ऐड कर सकते हैं। पहले आप अपना पूरा काफ़ी शुरुआत जो है सैलेड से कर सकते हैं, ताकि आपके बॉडी में पानी की कमी ना हो और जो अन्न की क्वांटिटी खाने की ज़रूरत पड़े वो कम से कम पड़े, ताकि बॉडी में को इतना डाइजेशन ना करना पड़े, हीट रिलीज उतनी ना हो, तो आप अपनी बॉडी को बाकी सूरत से होने वाली परेशानियों से प्रिवेंट कर सकते हैं। बाहर धूप में सनस्क्रीन लगाकर ज़रूर निकलें, क्योंकि वो एक तरीका है आपकी स्किन को प्रिवेंट करने का, जो सन से होने वाले डैमेजेस हैं उनसे। होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है? बेसिकली हर बॉडी को, मुझे, आपको, सबको पता चल जाता है कि क्या चीज़ हमें नुकसान करती है, क्या चीज़ हमें फ़ायदा करती है, तो हम धीरे धीरे नुकसान करने वाली चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। दूसरी चीज़ है कि जब हमें पता है कि हीट हमें नुकसान करती है, सूरज में निकलते ही हमारे स्किन पे धब्बे बढ़ जाते हैं, या हम रेड हॉट हो जाते हैं, या हमें हेडेक हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में दवाई है, जो आपको सूरज पे निकलने में आपके हेडेक की इंटेंसिटी को धीरे धीरे कम कर सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे कम कर सकती है, आपके स्किन के होने वाले डैमेजेस को कम कर सकती है, साथ ही साथ जो किडनी स्टोन्स बन जाते हैं हीट की वजह से, उन पे होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत कारगर हैं, उनको एक्सपेल करने में, उनको प्रिवेंट करने में, ना बनने देने में बहुत कारगर हैं। डेफिनेटली जब एकदम टेम्परेचर 106 पे पहुँच जाता है तो आपको इमरजेंसी मेडिसिन में रश करने की ज़रूरत है, लेकिन उस टेम्परेचर पे ना पहुँचे जब आपको पता है कि आपकी बॉडी को हीट से दिक्कत है, इंटॉलरेंस है, तो आप पहले ही उस दवाई को लेना शुरू कर सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन को लेना शुरू कर सकते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। प्लीज़ जो बताते हैं वो बहुत सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आप उसे अपने डॉक्टर से कंफर्म करके लें, क्योंकि हो सकता है वो आपके टेम्परमेंट पे, आपके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पे सूट
ना करें, एंड वो जब फायदा नहीं करती है तो फिर कह दिया जाता है कि होम्योपैथी फायदा नहीं करती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही आप अपनी दवाइयाँ चालू करें और वैसे ही लें जैसा वो कह रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है नोजिया और वॉमिटिंग में भी हेल्प करती है, और हीट से जो इंडाइजेशन होता है बहुत लोगों को, पाचन क्रिया में जो दिक्कत होती है उसमें भी बहुत हद तक हेल्प करती है। बट बी केयरफुल अगेन कि आप उसको एक होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही लें। एक छोटी सी एक स्मॉल जेस्चर हम सब कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम होम्योपैथी एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक, हम अपने घर के बाहर अपनी कॉलोनी में छोटे छोटे पॉट्स रख सकते हैं ताकि कोई जा रहा हो और उसको पानी की आवश्यकता हो तो वो पी ले। बर्ड्स के लिए डेफिनेटली आप रख दीजिए क्योंकि जो दिक्कत हमें होती है वो उनको भी होती है गर्मी से, ताकि वो पानी ले सकें वहाँ से। दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम फैंस, कूलर्स या एसी, जो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसे आसपास अपने आसपास की जगहों में जिनके पास नहीं है हम उनके लिए उपलब्ध करा सकते हैं ताकि वो भी इस हीट वेव को सर्वाइव कर सकें, क्योंकि अभी ये दिक्कत बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली। एटलीस्ट जुलाई अगस्त तक काफ़ी गर्मी रहने वाली है, मई जून में पीक होगा हम सभी जानते हैं। तो ध्यान रखिए कि यदि हम जेन्युइनली हेल्प कर सकते हैं उनकी, बिना कहे बिना कोई एहसान जताए हम उनकी मदद करें, एंड बाकी दूसरों की रक्षा करने से पहले अपनी सुरक्षा है, तो पहले अपने आप को प्रिवेंट कीजिए, खुद हेल्दी रहिए, खुद खुश रहिए, ताकि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हेल्दी रख सकेंगे, खुश रख सकेंगे। हेल्प योरसेल्फ एंड देन हेल्प अदर्स एज वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड जल्दी आते हैं दूसरी वीडियो के साथ। बाकी यदि आपको होम्योपैथिक कंसल्टेशन लेनी है एंड मेडिसिन मंगवानी है तो वी शिप विद इन इंडिया एज वेल एज इन द कंट्रीज आउटसाइड इंडिया जिनमें अलाउड है, जो अलाउ करते हैं लीगली मेडिसिन रिसीव करने का, और जो इंडियन कस्टम्स अलाउ करते हैं जहाँ मेडिसिन भेजने को। सो मैक्सिमम कंट्रीज में अलाउड ही है। इफ़ यू वॉन्ट होम्योपैथिक कंसल्टेशन देन यू कैन डेफिनेटली ईमेल अस एंड और कनेक्ट विद अस थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। थैंक यू।